नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 5 पर्यावरणीय स्वच्छता का ज्ञान तथा स्वास्थ्य से संबंध पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि इस पाठ में आखिर है क्या। देखिए पर्यावरणीय स्वच्छता, देखिए मनुष्य पर्यावरण से जुड़ा हुआ है क्योंकि हम जिस आवरण में रहते हैं उसे पर्यावरण बोलते हैं। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा भी प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि इसके मुख्य बिंदु कौन-कौन से हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें पर्यावरण, है ना, और सेकंड नंबर पर रासायनिक प्रदूषण, मानव जीवन पर पर्यावरण का प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जनसंख्या प्रदूषण। देखिए बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि प्रदूषण पर्यावरण क्या है, प्रदूषण के प्रकार कितने हैं, है ना, उनके हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, उन प्रदूषणों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, तो ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले जो हेडिंग है हमारी वो है पर्यावरण। हमारे चारों ओर एक आवरण पर्यावरण कहलाता है। देखिए बच्चों, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस आवरण में रहते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण क्या है ना, फूल, पत्तियां, पौधे, पेड़, है ना, ये सब क्या है, वायु, ये सब क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। हमें वातावरण को शुद्ध करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। देखिए बच्चों, ये तो आप सभी बच्चे भी जानते हैं कि पेड़ पौधे लगाना हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधे हमें ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। देखो बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई, है ना, सांस के द्वारा, है ना, मुख से निकली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़कर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, है ना। ऑक्सीजन को छोड़कर कैसा करते हैं, पर्यावरण शुद्ध करते हैं, पर्यावरण को अच्छा बनाते हैं। सेकंड हेडिंग है हमारी मानव जीवन पर पर्यावरण का प्रभाव। तो देख लेते हैं बच्चों, पेड़ पौधों को धरती के हरे फेफड़े कहा जाता है। देखिए बच्चों, जिस तरह से मनुष्य को सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है ना, अपने जीवन को जीने के लिए सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है और सांस किससे लेते हैं, फेफड़ों से ही लेते हैं, है ना, उसी प्रकार प्रकृति जो है वो सांस किससे लेती है, पेड़ों के माध्यम से लेती है। इसीलिए पेड़ पौधों को धरती का फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि वो शुद्ध कैसे होगी, पेड़ पौधों से ही तो होगी। जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा जो पर्यावरण क्या है वो शुद्ध हो जाएगा और अशुद्धि दूर हो जाएगी, क्योंकि ये दिन की धूप में अपना भोजन बनाने के दौरान मानव जीवन हेतु प्राण वायु, जिसे हम ऑक्सीजन भी बोलते हैं, छोड़ते हैं। देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, धूप में अब क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। भोजन अपना बनाते हैं किससे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं और धूप से बनाते हैं, और उसी दौरान वो क्या छोड़ते हैं, उसी दौरान वह प्राण वायु, है ना, प्राण वायु जिसे हम ऑक्सीजन भी बोलते हैं, वह पेड़ पौधे छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं।
ये तो हमने आपको अभी बताया था कि पेड़ पौधे क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। यदि इन पेड़ पौधों की सुरक्षा ना की जाए, नए पौधे ना लगाए जाए तथा इनकी कटाई जारी रही तो एक दिन मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। देखिए जिस तरह से बच्चों जनसंख्या बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उससे पेड़ पौधों का जो जीवन है वो नष्ट होता हुआ जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसी वैसी उन्हें रहने के लिए आवास चाहिए होगा और आवास के लिए वह जंगलों में क्या करेंगे, पेड़ पौधों को काट कर उन्हें नष्ट करना शुरू कर देंगे। तो पेड़ पौधों की सुरक्षा जो है वो मनुष्य को बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि इनसे ही हमें प्राणवायु प्राप्त होती है। इनकी कटाई को रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी ऐसे ही दिन प्रतिदिन कटाई होती रही तो एक दिन मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पड़ कैसे जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे जैसे कटते जाएंगे वैसे वैसे ही पृथ्वी का संतुलन जो है, पर्यावरण का संतुलन जो है वो बिगड़ता हुआ चला जाएगा, जिसके कारण जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघलना शुरू कर देंगे, जिससे एक दिन जल प्रलय का खतरा भी बढ़ सकता है। आइए बच्चों देखते हैं प्रदूषण के लक्षण। पर्यावरण को इस हद तक नष्ट करने का श्रेय भी मनुष्य को ही जाता है। देखिए ये तो सही बात है कि जैसे जैसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं मनुष्य का हाथ अवश्य रूप से है। कैसे, क्योंकि वह पेड़ पौधों को लगा कम रहा है, अपनी जरूरतों के लिए काट ज्यादा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि पेड़ पौधों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो हमारे ईंधन के रूप में भी कार्य करती हैं और हमारे फर्नीचर वगैरह में भी बनाने में सहायता प्रदान होती है। ठीक है, तो अपनी आवश्यकताओं के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, पेड़ों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनको नष्ट कर रहा है। सेकंड देखते हैं, आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण प्रदूषण की चिंता से ग्रस्त है। देखिए यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरे विश्व की बात हो रही है, संपूर्ण विश्व की बात हो रही है कि एक व्यक्ति प्रदूषण से ग्रस्त नहीं है, यह तो पूरे पर्यावरण से ही, मतलब प्रदूषण से ही पूरा विश्व आज ग्रसित है। थर्ड है, निरंतर बढ़ती हुई मानव आकांक्षाएं। जैसे कि हमने अभी बताया कि मनुष्य आकांक्षाएं है ना, इसे अभिलाषा भी बोल सकते हैं, इसे इच्छा भी बोल सकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे मनुष्य दिन पे दिन तरक्की करता हुआ जा रहा है, उसकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, उसकी इच्छाएं बढ़ रही हैं, वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जनसंख्या एवं विकास की होड़ पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई है। देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मनुष्य अपने विकास में लगा हुआ है, उसकी जो होड़ है यानी कि मनुष्य की जो इच्छा शक्ति है वह पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है। अब पढ़ लेते हैं बच्चों, प्रदूषण के बढ़ने से मानव एवं जीव जंतु के जीवन को हानि। पर्यावरण प्रदूषण का असर मानव के साथ अन्य जीवधारियों पर भी पड़ रहा है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण का जो असर है मानव के साथ साथ वो अन्य जीवधारियों, है ना, पशुओं पर भी पड़ रहा है, पक्षियों पर भी पड़ रहा है। क्योंकि पक्षियों पर कैसे पड़ रहा है भाई, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो उनका बसेरा कहाँ पर होगा, पक्षियों का बसेरा कहाँ होता है, पेड़ों पर ही तो होता है, वो घोंसला बनाकर अपना जीवन वहीं पर तो बिताते हैं, और वहीं नहीं होंगे तो ये पक्षी कहाँ जाएंगे। और पशु की बात करें तो देखिए जंगल जो है वो धीरे 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 अब समाप्त ही होते हुए जा रहे हैं, और जो उनमें रहने वाले पशु हैं वो शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो उन्हें उनका रहने का आवास ही उनसे छीन लिया जाएगा, और जब आवास छीना जाएगा तो वो पशु कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो वे क्या कर रहे हैं, आजकल हम देखते हैं कि एक हमारे
मतलब आस पास हम देखते हैं कि कहीं शेर मिल गया है ना, किसी के घर में घुस गया है, और कहीं हाथी मिल गया है, तो ऐसे जीव जंतु जो हैं हमने देखा है कि सांप वगैरह भी निकल आते हैं, तो ये क्यों निकल आते हैं? क्योंकि इनसे पर्यावरण इनका जिसमें ये रहते हैं वो छीना जा रहा है, आवास को छीना जा रहा है, जिससे इन्हें शहर की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का असर मानव के साथ अन्य जीवधारियों पर भी पड़ रहा है। पर्यावरण असंतुलन के कारण बहुत सारे पशु पक्षी लुप्त हो गए हैं। जैसा कि हमने अभी आपको समझाया कि पशु पक्षी का बसेरा किस पर होता है, पेड़ों पर होता है, और पेड़ों को क्या किया जा रहा है, मानव द्वारा काटा जा रहा है, उनकी इच्छाओं के लिए काटा जा रहा है। तो जो पक्षी का जीवन है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, जिससे उनकी कई प्रजातियां भी लुप्त हो गई हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य विषैली गैसों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो हमारा वायुमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ये सभी प्रकार की गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो अब क्या हो रहा है, जो विषैली गैसें हैं, जो बेकार गैसें हैं, है ना, जो जहरीली गैसें हैं, वो क्या हो रहा है, उनका दिन पे दिन वह बढ़ती जा रही है, उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप वायुमंडल के तापमान में क्रमशः बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, वायुमंडल के तापमान में क्या हो रही है, दिन पे दिन ऐसी ही विषैली गैसों की बढ़ोतरी हो रही है। आगामी 40-50 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में 30 से 50% तक वृद्धि हो जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से मनुष्य अपने विकास को आगे बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति दिन प्रतिदिन करता जा रहा है, लेकिन ऐसे में वो क्या कर रहा है, पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहा है, जिसके चलते धरती का जो है, प्रकृति का जो है, वो तापमान में वृद्धि हो गई है। और ऐसे ही यह क्रम जारी रहा तो आने वाले 40 से 50 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, 30 से 50% तक वृद्धि हो जाएगी, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। समस्त धरती शीतोष्ण हो सकती है तथा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की बर्फ पिघलकर महाजल प्रलय का खतरा उत्पन्न कर सकती है। देखिए बच्चों, ऐसे ही अगर गर्मी बढ़ती रही तो जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं वो क्या हो जाएंगे, वो पिघलना शुरू कर देंगे। और ऐसा ना हो कि अगर उन्होंने पिघलना शुरू कर दिया तो महाजल प्रलय, है ना, एक भयानक प्रलय का खतरा भी मनुष्य के लिए उत्पन्न हो सकता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण, अब वायु प्रदूषण को पढ़ते हैं। जीवधारियों के लिए वायु एक अनिवार्य तत्व है, ये तो हम सभी जानते हैं कि चाहे वे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, हर एक जीवधारी के लिए वायु एक अनिवार्य तत्व है। इसके बिना जीवन ही संभव ही नहीं। जिस प्रकार शुद्ध वायु मनुष्य के स्वास्थ्य का आधार है, उसी प्रकार अशुद्ध वायु विभिन्न रोगों को जन्म देती है। देखिए, जिस प्रकार शुद्ध वायु से मनुष्य को जीवन दान मिलता है, जीवन मिलता है, उसी प्रकार अशुद्ध वायु के ग्रहण करने पर मनुष्य विभिन्न रोगों का शिकार भी हो जाता है। मनुष्य विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है ना, अगर वो अशुद्ध वायु अपने अंदर ग्रहण करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाएगा। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात सामान्यतः निम्न प्रकार है। देख लेते हैं कि वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं, यानी कि वायुमंडल में हमारी कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, ऑक्सीजन है हमारी, है ना, 20.95%। नाइट्रोजन है हमारी 74.40%। कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी 0.67%, तथा अन्य गैसें हैं 3.98%। वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड
कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, धुआं एवं धूल के कण मिलने से ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कम हो जाती है। देखिए, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कि इनकी अधिकता वायुमंडल में अधिक होती जा रही है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा घटती हुई जा रही है और वायु प्रदूषित हो जाती है ना। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारा वायुमंडल जो है, वायु जो है वो प्रदूषित होती चली जाएगी। विशेषतः घनी आबादी वाले औद्योगिक नगरों एवं अनेक निर्धन बस्तियों में वायु प्रदूषण की समस्या अधिक पाई जाती है। देखिए, जो घनी आबादी वाले है ना क्षेत्र जो होते हैं, औद्योगिक नगर जो होते हैं, जहाँ पर फैक्ट्री कारखाने है ना, कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है, गंदे विषैली पदार्थ जो होते हैं, जो हमारे नदियों नालों में जाते हैं, वहाँ पर प्रदूषण फैलाते हैं, वहाँ पर जल को प्रदूषित करते हैं, है ना। जो धुआं है वो वायु को प्रदूषित करता है, और जो निर्धन बस्तियाँ हैं जहाँ पर धूप पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाती, वहाँ सीलन अधिक होती है ना, तो वहाँ भी प्रदूषण का खतरा अधिक बना रहता है, जिससे मानव जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अब पढ़ते हैं बच्चों, वायु प्रदूषण की समस्या का जनजीवन पर असर। वायु प्रदूषण की समस्या मानव ही नहीं, समस्त जीवधारियों के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, वायु प्रदूषण की समस्या मानव ही नहीं, समस्त जीवधारियों के लिए क्या बन गई है, खतरे की घंटी बन गई है। क्योंकि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा, वैसी वैसी मानव जीवन भी खतरे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। महानगरों में होने वाले प्रदूषण का मुख्य कारण सड़कों पर चल रहे वाहन है ना। महानगरों में जो प्रदूषण का मुख्य कारण है, वहां सड़कों पर चल रहे वाहन है, जो पुराने वाहन होते हैं वो धुआं अधिक छोड़ते हैं, और उस विषैले धुएं से क्या होता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है ना, वायु हमारी प्रदूषित होती है। जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशा एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे विषैले तत्व उत्सर्जित होते हैं। जितना बच्चों पुराना वाहन होगा, उतना ही पर्यावरण के लिए वह घातक सिद्ध होगा, क्योंकि उससे निकलने वाला जो खतरनाक धुआं है वो हमारे पर्यावरण को दूषित करेगा, और जब पर्यावरण दूषित हो जाएगा तो वह मानव जीवन पर भी बुरा असर डालेगा, क्योंकि पर्यावरण से मानव का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि उससे उसे क्या मिलती है, मनुष्य को पर्यावरण से ऑक्सीजन मिलती है, प्राणवायु मिलती है, जो वायु द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जिन उद्योगों में ईंधन का प्रयोग हो रहा है, वहां वायु प्रदूषण अवश्य होता है। देखिए, जिन उद्योगों में ईंधन है ना, कोयले का प्रयोग हो रहा है ना, लकड़ियों को जला रहे हैं, या विभिन्न प्रकार का ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे खतरा ही तो बढ़ता हुआ जा रहा है ना, किसके लिए, मानव जीवन के लिए खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है। वहां वायु प्रदूषण अवश्य होता है। विभिन्न उद्योगों में हानिकारक वस्तुओं के कण एवं रेशे वायुमंडल में मिल जाते हैं। इस प्रदूषित वातावरण में सांस लेने पर वे शरीर में पहुंचकर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। देखिए बच्चों, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता हुआ चला जाएगा, वैसे ही वैसे मानव के लिए खतरे की घंटी बनता हुआ चला जाएगा, क्योंकि वायु मनुष्य ग्रहण करेगा, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध। अगर वो शुद्ध वायु ग्रहण करता है तो उसके शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर वह अशुद्ध वायु को अपने अंदर भीतर ग्रहण करेगा तो उससे उसे कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यह रोग इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। जैसे फेफड़ों का रोग, तपेदिक, कैंसर, आंखों के रोग, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी आदि रोग हो सकते हैं। देखिए, ये विभिन्न प्रकार के रोग हैं जो प्रदूषण के कारण होते हैं। प्रदूषित वातावरण में सांस लेने पर मनुष्य की शक्ति का
हार्श होता जा रहा है। देखिए, जो व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे प्रदूषण के कारण समाप्त होती जा रही है, यानी कि क्षीण होती जा रही है, धीरे धीरे वह समाप्त हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ऐसे समय में ना तो व्यक्ति अच्छा खाद्य पदार्थ ग्रहण कर पा रहा है और उस पर मार पड़ रही है प्रदूषण की। ना तो उसे अच्छा भोजन मिल रहा है, ना ही उसे अच्छी वायु मिल रही है, जो मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और धीरे धीरे ऐसे में क्या हो रहा है, उसकी शारीरिक कमजोरी बढ़ती हुई जाती है, वह प्रत्येक कार्य को करने के लिए असक्षम होता हुआ जा रहा है। आगे देखते हैं बच्चों, वायु प्रदूषण की रोकथाम के सुझाव। जहां अधिक वाहन चलते हैं वहाँ की सड़कें पक्की होनी चाहिए, है ना। जहाँ पर अधिक वाहन चलते हैं वहाँ की सड़कें पक्की होनी चाहिए, यानी कि मजबूत होनी चाहिए। कच्ची सड़कों पर धूल उड़ती है तथा धूल वायु को प्रदूषित करती है। देखिए बच्चों, वाहन जो है वो पक्की सड़कों पर ही चलनी चाहिए, क्योंकि अगर वह कच्ची सड़कों पर चलेंगे तो उसे क्या होगा, उसे धूल उड़ेगी, और जब धूल उड़ेगी तो वह वायु में मिल जाएगी, जो मनुष्य के शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव डालेगी। है खाली भूमि नहीं छोड़नी चाहिए, खाली भूमि से धूल उड़ती है जो वायु को दूषित करती है। देखिए बच्चों, अगर खाली भूमि कहीं पड़ी है तो वहाँ पर हमें क्या कर देना चाहिए, वहाँ पर हमें पेड़ पौधे लगा देना चाहिए, क्योंकि खाली जो भूमि है वह धूल छोड़ती है, और धूल जो है वो हमारे वायु प्रदूषण को, है ना, दूषित करेगी। इससे अच्छा तो हम उसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जो हमारे जीवन के लिए एक वरदान भी साबित हो सकते हैं। आइए बच्चों देख लेते हैं जल प्रदूषण। जल मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। देखिए बच्चों, जैसे जैसे मनुष्य अपना विकास करता हुआ जा रहा है, उससे क्या है, जल भी प्रदूषण होता हुआ जा रहा है। क्योंकि जहाँ पर आपने देखा है ना, कारखाने हो या फैक्ट्री हो, उनसे क्या निकलता है, विषैले पदार्थ निकलते हैं जो नदियों के रास्ते समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे समुद्र या नदियों का पानी क्या हो रहा है, दूषित होता हुआ जा रहा है। और आपको पता है कि मनुष्य के लिए जल कितना आवश्यक होता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो 70% भाग है वह जल से ही बना हुआ होता है, और ऐसे में अगर उसे जल ही नहीं मिलेगा तो मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति जल के बिना 3-4 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकता। देखिए, आपने देखा होगा कि मनुष्य एक एक हफ्ते तक, एक एक महीने तक भी हमने देखा है कि भोजन के बिना तो जीवित रह सकता है, लेकिन वह जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। उसका कारण हमने अभी आपको बताया था कि मनुष्य का जो शरीर है वो 70% जल से बना हुआ होता है, यानी कि मनुष्य का 70% भाग जो है वो जल का ही होता है। मनुष्य के शरीर का 70% भाग जल है। मनुष्य के जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। देखिए बच्चों, जल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह पानी पीने के लिए हो, चाहे वह घर की साफ सफाई के लिए हो, चाहे वह वस्त्र धोने के लिए हो, है ना। स्वच्छता हमारी किससे है, जल से ही है, है ना, स्नान के लिए हो। लेकिन इससे हम समझ सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, क्योंकि अगर जल ही नहीं होगा तो पेड़ पौधों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों को जल की आवश्यकता अधिक होती है, और अगर उन्हें ही जल नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में तो वो सूखते हुए चले जाएंगे, और जब पेड़ पौधों का ही जीवन नष्ट होने लगेगा तो व्यक्ति को, मनुष्य को प्राणवायु कैसे प्राप्त होगी। तो देखिए बच्चों, जल से मनुष्य का एक गहरा संबंध है, हमें जल संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ हमारा बच्चों इसका प्रथम भाग यहीं समाप्त होता है। अगला भाग हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, आपको कम से कम इस पाठ को आपको कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ना है, और जो जो हमने आपको बात बताई है उन पर ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।